एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास। एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होगा, जब हम क्लास से पहले कीवर्ड लगाएंगे एब्स्ट्रैक्ट, तो बन जाएगा एब्स्ट्रैक्ट क्लास। इसको क्यों यूज करते हैं, ठीक है, अभी इधर राइट साइड में देखेंगे रूल्स क्या हैं, बट यूज क्यों करते हैं क्लास को। एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना के हम कुछ चीजों को अचीव करते हैं जो हमारे, जैसे आप रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म अचीव कर रहे थे मेथड ओवरराइडिंग के थ्रू, तो इसके थ्रू भी कुछ चीजें अचीव करने के लिए भी, मतलब में कोई चीज नहीं होता इसमें। अब इसमें क्या है कि एक क्लास जो हम डिफाइन करते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास को बनाने के लिए एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगाते हैं। अब इसमें क्या है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना दिया तो इसमें जो मेथड्स होंगे वो एब्स्ट्रैक्ट और नॉन एब्स्ट्रैक्ट दोनों हो सकते हैं। मेथड क्लास नहीं, क्लास तो आपने एब्स्ट्रैक्ट बना दिया, तो क्वेश्चन आता ना क्या इसके अंदर मेथड्स जो हैं वो एब्स्ट्रैक्ट ही होंगे या नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स भी होंगे, तो दोनों हो सकते हैं। बट इट नीड्स टू बी एक्सटेंडेड एंड इट्स मेथड इम्प्लीमेंटेड, ठीक है, उसको एक्सटेंड करेंगे और उसके मेथड को इम्प्लीमेंट करेंगे। इट कैन नॉट बी इंस्टेंशिएटेड, मतलब इसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे, उसको इनिशियलाइज नहीं करेंगे। रूल्स क्या हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लास मस्ट बी डिक्लेयर्ड विद एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड, एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगाएंगे तभी एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनेगा। इट कैन हैव एब्स्ट्रैक्ट एंड नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड, दोनों हो सकते हैं। इट कैन नॉट बी इंस्टेंशिएटेड, मतलब इसका जो ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज नहीं हो सकता। इट कैन हैव फाइनल मेथड्स, फाइनल मेथड्स इसके अंदर हो सकते हैं। इट कैन हैव कंस्ट्रक्टर एंड स्टैटिक मेथड ऑल्सो। तो ये पांच चीज़ें हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास के। अब एब्स्ट्रैक्ट क्लास को एक बना के देखते हैं। क्लास बनाया बाइक, इसके आगे लगा दिया हमने एब्स्ट्रैक्ट, तो ये हो गया एब्स्ट्रैक्ट क्लास। अब जैसे कि रूल है कि एब्स्ट्रैक्ट और नॉन एब्स्ट्रैक्ट दोनों मेथड्स हो सकते हैं, इसमें कुछ नहीं लगाओगे तो नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो गया। अब इसमें मेथड है हमारा वाइड रन, इससे पहले लगा दिया एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड, तो ये हो गया एब्स्ट्रैक्ट मेथड। दूसरा क्लास बनाया होंडा, जो एक्सटेंड कर रहा है बाइक को। अब इसमें क्या वाइड रन, एक इसमें हमने फंक्शन बनाया वाइड रन सिस्टम, इसमें प्रिंट कर दिया रनिंग सेफली। आप मेन फंक्शन बना के अब एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे और ऑब्जेक्ट के थ्रू हम क्या करेंगे, रन को कॉल कर दिया, तो इसे प्रिंट हो जाएगा रनिंग सेफली, ठीक है। अब फायदा क्या है किससे, एब्स्ट्रैक्ट क्लास से? हाँ जी सर, एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अलग अलग फायदे हैं, तो सिक्योरिटी पर्पस से आप कह सकते हो सिक्योरिटी। हाँ सिक्योरिटी, देखो जावा में क्या है, मेन सिक्योरिटी पे फोकस दिया गया ना, ज्यादा सिक्योर है। हाँ जी सर, तो इसलिए सिक्योरिटी पे दिया गया है। और मतलब छोटे कोड्स को जब लिखते हैं ना तब एब्स्ट्रैक्ट क्लास हम बनाते हैं। और दूसरा है कि आप डुप्लीकेसी जो होता है, डुप्लीकेट कोई डुप्लीकेट कोड ना हो जाए, तो उसके लिए एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना देते हैं। रीयूजेबिलिटी हो गया है ना, कोड रीयूजेबिलिटी, तो सारे वही जो इसके फीचर्स हैं और जो पर्पस है उन्हीं को सॉल्व करने के लिए ये चीजें यूज होती हैं।